आजकल स्टार्डम है यूट्यूबर्स का, जो यूट्यूब पे बैठे दिन भर गाली देते हैं और कुछ भी वीडियो बनाते हैं और चला है ना रोस्ट करने का धंधा। तो तुम चार्ट साइंटिस्ट का नाम पूछो तो तुम नहीं बता पाओगे, हाँ चार हीरो हीरोइन का नाम पूछो तो तुम बता दोगे। मतलब आजकल स्टार्डम किसका है, आजकल स्टार्डम है एक्टर्स का, है ना, आजकल स्टार्डम है यूट्यूबर्स का, जो यूट्यूब पे बैठे दिन भर गाली देते हैं और कुछ भी वीडियो बनाते हैं और मुचला है ना रोस्ट करने का धंधा है, रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं। रोस्टिंग वीडियो क्या है, कोई कुछ कर रहा है उसमें से एक घंटे में से चार सेकंड का क्लिप निकाल के रोस्ट कर दो, रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं। और वैसे ही लोग आज इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। आपको इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर्स का नाम आपको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, बताइए। आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर का नाम बताइए, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस लगातार 10-10 घंटा 15-15 घंटे का ऑपरेशंस किया हो, नहीं। इसरो के साइंटिस्ट का नाम बताइए, नहीं। लेकिन आपको रोस्टिंग वीडियो बनाने वाले और बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद होगा। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, पहले क्या था कि जो लोग साइंटिस्ट लोग होते थे और साइंस रिलेटेड जो सरप्राइजिंग चीजें होता था, चमत्कार होता था, वो दिखाते थे, समझे, समझ में आया। लेकिन 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 धीरे धीरे समय बदला। अच्छा, ये जो आप मूवी देखते हो, ये जो आप मोबाइल फोन में देखते हो या मल्टीप्लेक्स में जाके सिनेमा देखते हो, मोबाइल फोन में आप यूट्यूब देखते हो, सब किसने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया। सबसे पहली बार फोटोग्राफी किसने की, साइंटिस्ट ने की, उन्होंने इन्वेंट किया चीजों को, बनाया। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि एक बहुत पुराना कहावत है जो सच होता हुआ दिखाई देता है, और वो पूरा बहुत पुराना कहावत है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जो सबसे बड़े साइंटिस्ट लोग थे वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया ये मूवी वूवी बना के, क्योंकि जो नौटंकी करने वाले लोग हैं, है ना, जो ड्रामा दिखाने वाले लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें आर्ट नहीं है, टैलेंट नहीं है, आर्ट है, टैलेंट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आप एक्चुअल हीरो को भूल जाओ, आप देश के आर्मी को भूल जाओ जो रक्षा करते, देश के किसान को भूल जाओ जिसका उपजाया हुआ अन्न खाते हो आप, है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाओ, जिसके वजह से आप सेफ हो देश की आर्मी को भूल जाओ, साइंटिस्ट को भूल जाओ, डॉक्टर्स को भूल जाओ जिसको दूसरा भगवान कहते हैं, वो आपका आइडियल होना तो छोड़ो, है ना, स्टार्डम तो छोड़ो, डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहते हैं तो वो अलग ही लेवल पे है। लेकिन उन लोगों को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो स्टार्डम नहीं मिलता है जितना आप उनको देते हो, मतलब ये गलत है बस, ठीक है, चलो।